हाय गाइस, आप देख रहे हैं द नेकेड ट्रुथ। इस शो में मैं आपका एक सवाल लूंगा जिसका विषय सेक्स, स्वास्थ्य और शरीर होगा, और मैं दूंगा उसका सीधा जवाब। मेरा नाम है श्रीराम और चलिए अब शुरू करते हैं। हाय, आज के शो में हमें एक SMS आया है। पुणे से एक 24 वर्षीय लिखते हैं कि मेरा दोस्त सर्कमसिशन के बारे में बात कर रहा था। ये क्या होता है और कोई पुरुष इसे क्यों कराता है? सर्कमसिशन लिंग के ऊपर की चमड़ी को निकालना होता है। सर्कमसिशन अक्सर शिशु अवस्था में होता है या जब लड़का 20 साल का होता है, खासकर यदि आप मुस्लिम या यहूदी हों या धार्मिक व सामाजिक कारणों से इसे कराते हैं। सर्कमसिशन के दौरान ऊपरी चमड़ी लिंग से हटाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। शिशु के लिए सर्कमसिशन 5 मिनट लेता है और युवक के लिए 1 घंटा लेता है। घबराइए मत, लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है और ये पूरी प्रक्रिया हील होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। बहुत से डॉक्टरों का मानना है कि ऊपरी चमड़ी से HIV, STI, पिनाइल कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, लेकिन चिकित्सा जगत में आज भी इस बारे में विवाद हो रहा है। अक्सर सर्कमसिशन आप किस कॉम में बड़े हो रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है। आशा है कि इससे आपको मदद मिली होगी। हमें ईमेल करें, SMS करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।